और चलिए अब सीधा रुख करते हैं राजधानी भोपाल के मिंटो हॉल का, जहां इस वक्त बंसल न्यूज कवि सम्मेलन का आयोजन करा रहा है। देश के जाने माने कवि यहां पहुंचे हैं। हमारा ये समय किस तरह का समय है और इस समय की चुनौतियां क्या है और इन चुनौतियों से निपटने का कोई रास्ता है तो वो रास्ता क्या है। नीलोत्पल जी को जब हम सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे गांव का कोई झरोखा खुल गया है, गांव की कोई खिड़की खुल गई है और उस खिड़की से हम अपने गांव को देख रहे हैं। आप लोग जो यंग पीढ़ी के बच्चे हैं वो शायद करण जौहर की फिल्मों से गांव को देखते हैं, लेकिन एक गांव वो है जो आपके पुरखों का गांव है। कभी अपने दादा से पूछिए, अपनी नानी से पूछिए कि वो गांव है कैसा। उस गांव में जहां गांव की मिठास भी है, सुधास भी है, त्योहारों की खनक भी है, दमक भी है, नीलोत्पल जी हमें वहां ले चलेंगे। जैसा मैंने कहा, अभय निर्भीक जी अपने नाम के अनुरूप निर्भीकता से हमें उन ऊंचाइयों की तरफ ले जाएंगे ओज की, जो हिमालय की चोटियों से भी टकराएगी और आप तक और हम तक पहुंचेगी। अमन अक्षर हमें राम के विराट स्वरूप से परिचित कराएंगे और आनंद में हम डूब जाएंगे। और प्रसून जी की मैं बात करूं तो इंडिया टुडे ने इन्हें देश के 30 संभावनाशील जो युवा हस्ताक्षर रचना धर्मिता के हैं उनमें से एक इनको उन कवियों में रहे। मुझे भी बड़ी प्रसन्नता हुई कि पिछले साल भी हमारे आयोजन में ये शामिल रहे। और एक वैज्ञानिक, युवा वैज्ञानिक के तौर पर काम करते हैं लखनऊ में, तो विज्ञान और कविता दोनों का बहुत बेजोड़ मेल है। और मदन मोहन समर जी की क्या बात करें, पुलिस अधिकारी, एक संवेदना से भरे हुए व्यक्तित्व, जो समान रूप से इनकी कहानियां भी जब मैं देखता हूं, पढ़ता हूं उनको, तो मुझे लगता है कि अभी कोरोना पर इनकी एक कहानी तो प्रेमचंद की याद दिला गई हम सभी को, आंखों में आंसू भर आए। अगर आप उस, मैं ज़रूर आपसे कहूंगा और वो लिंक भी हम आपको उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। और ओज के कवि भी हैं, संवेदना के कवि भी हैं, अपनी भावभूमि से जुड़े हुए कवि भी हैं, उन सबको सुनना एक बहुत ही शानदार दावत रहेगी। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। भवानी दादा की कुछ पंक्तियाँ जो मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं, मैं उनके साथ आगे बढ़कर मैं मंच पंकज जी को सौंपूंगा। मज़ा तब है जब हम जलें और दुनिया आग पकड़ ले। भवानी प्रसाद मिश्र जी कहते हैं, मज़ा तब है जब हम जलें और दुनिया आग पकड़ ले। आज तो जो होता है सो ऐसा है, आज जो होता है सो ऐसा है कि हम धुआं देते हैं और लोग आँख मिचमिचा कर निकल जाते हैं। तो मज़ा तो वो है कि हम जलें और दुनिया आग पकड़ ले। तो ये कवि वैसे ही हैं कि इनकी कविताओं का रचना संसार आपके हमारे भीतर की जो अग्नि है उस अग्नि को धधका देगा, भड़का देगा, सुलगा देगा और दिवाली के पहले आप सभी के जीवन में प्रकाश भर जाए, अंधकार दूर हो। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आप इतनी बड़ी संख्या में इस आमंत्रण पर यहाँ इस सुंदर से हॉल में आए हैं जिसकी अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा और अब मैं भी और सर से भी आग्रह करूँगा कि हम अब सामने की जिम्मेदारी संभाल कर और मैं मंच सौंपता हूँ पंकज जी को। आप वहीं से भी कर बैठ जी। आप सभी को नमस्कार करता हूं और बहुत शानदार आयोजन यह बंसल न्यूज़ ने आप सब के लिए ये सजाया है, इतना बेहतरीन हाल, इतना बेहतरीन मंच। मैं चाहता हूं कि पहले इस प्रयास के लिए ज़ोरदार तालियां आप सभी लोग बजा दें बंसल न्यूज़ के इस पूरे प्रयास के लिए। और बहुत शानदार कवियों को भी आमंत्रित किया है, मुझे दोबारा से आपने यहाँ संचालन के लिए बुलाया है। एक बात कहना चाहता हूँ, ट्रंप को अमेरिका ने भले ही रिजेक्ट कर दिया हो, उनको अमेरिका का संचालन दोबारा नहीं मिल पाया है, लेकिन पंकज प्रसून को बंसल न्यूज़ के कवि सम्मेलन का संचालन दोबारा मिला है, इसलिए बहुत अच्छी तालियां बजाइए। मैं आपके लोकतंत्र को प्रणाम करता हूं, आप दोबारा मौका देना जानते हैं, मैं इसके प्रति हृदय से आभारी रहूँगा आदरणीय शरद जी का। और देखिए कितना शानदार चुनाव इस वक्त हो रहे हैं पूरे देश में, आप सब देख रहे होंगे।
वहाँ पर कमला हैरिस भी जीती हैं, तो अपना एक भारतीय महिला वहाँ पर मौजूद है। और ट्रंप के उनके बाइडन के साथ में जो कदम से कदम मिला करके चलेंगी, तो निश्चित रूप से हमारे लिए भी बड़े गर्व की बात होगी कि एक हमारी प्रतिनिधि वहाँ के संसद में मौजूद होगी, इसलिए हमें गर्व भी होना चाहिए। आइए हम इस कवि सम्मेलन को शुरू करें। उससे पहले कुछ बातें, दो चार बातें आपसे कहना चाहता हूँ। आदरणीय शरद जी ने कहा कि यह न्यू नॉर्मल स्थितियों का कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है। चार पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, आप जुड़िएगा, धीरे धीरे मैं आपको कविता से जोड़ूंगा। कि हम सब एक सूत्र के मोती, हम सब एक सूत्र के मोती, मन में ना कोई दंभ भरे। बहुत समय बाद हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। करीब 9 महीने से हम लोग बिल्कुल ठप हो गए थे, कहीं आना जाना बिल्कुल बंद हो गया। इधर से देखिए तो अमन अक्षर जी मौजूद हैं, जिन्होंने राम को बिल्कुल अलग तरह से परिभाषित किया है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को इन्होंने एक समाज का एक ऐसा चरित्र बना दिया है जिससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। और नए तथ्यों के साथ, नए तर्कों के साथ राम को बिल्कुल नई तरह से परिभाषित करने वाले कवि अमन अक्षर के लिए एक बार बहुत अच्छी तालियां आप सब लोग बजाइए। इसके बगल में वो ओज का वो युवा हस्ताक्षर जिसकी कविता में ना तो पाकिस्तान होता है, जिसकी कविता में कश्मीर भी कभी कभी आता है वरना नहीं आता है, कोई झंडे उंडे गाड़ने की बात नहीं करता है, जो असली ओज है, जो दिनकर का ओज है, उस ओज को जीते हैं अभय सिंह निर्भीक के लिए बहुत अच्छी तालियां बजाइए। और उनके बगल में आज के इस कवि सम्मेलन के सबसे वरेण्य कवि, और हम यूं कहें कि आज हम सबका मन है कि उनको कवि सम्मेलन की अध्यक्षता सौंपी जाए, आदरणीय मदन मोहन समर जी, एक बार बहुत अच्छी तालियां बजाइए उस वरेण्य ओज के हस्ताक्षर के लिए जिसने ओज की कविता को नया मुकाम दिया है। और उसके बगल में युवा साहित्य अकेडमी से सम्मानित हमारे मित्र नीलोत्पल मृणाल बैठे हुए हैं, उनके समर्थक यहाँ पर अच्छी तादाद में आए हुए हैं। इसका मतलब इनकी खासियत है कि ये लिखने वाले भी कवि हैं और दिखने वाले भी कवि हैं। जब लिखते हैं तो इनको युवा साहित्य अकेडमी जैसा बड़ा अवार्ड मिलता है, इनकी किताब बेस्ट सेलर होती है, और जब दिखने का काम करते हैं, जब सुनाने का काम करते हैं, तो उस गांव की तरफ ले जाते हैं जहां जिस गांव के बारे में सुन करके हमारा चित्त आनंदित होता है। अच्छी तालियाँ बजाए नीलोत्पल मृणाल जी के लिए। और मैं हूँ आप सभी का पंकज प्रसून, लखनऊ से आया हूँ, थोड़ी बहुत तालियाँ बच गई हों तो हमारे को भी दान कर दीजिए तो मन को शांति मिल जाएगी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोगों ने कैसा दौड़ देखा आदरणीय शरद जी पिछले दिनों, कैसा कैसा दौड़ देखा। हम लोग हाथ धोते धोते कब बर्तन धोने लगे पता ही नहीं चला। देखिए परिवर्तन धीरे धीरे आता है, लेकिन बड़ा शाश्वत परिवर्तन आता है, अब तो आदत हो गई है धीरे धीरे। और देखिए क्या क्या परिवर्तन आया। पहले आदमी कोई छींक देता था अगर बगल वाला, तो चलता हुआ आदमी रुक जाता था कि शायद हमारा काम नहीं होगा। अब कोई छींक देता है तो चलता हुआ आदमी भागता है, उसके अंदर का मिल्खा सिंह जाग जाता है। और देखिए क्या परिवर्तन आया, सब लोग मास्क लगा करके बैठे हुए हैं। मास्क ने कुछ किया हो या ना किया हो, एक बड़ा काम किया है। मास्क ने ऊंची नाक के गर्व और नीची नाक के शर्म को एक ही आवरण से ढक दिया है। आप कोई मास्क लगाए बैठा है तो आप मास्क से उसकी मुस्कान का भी पता नहीं लगा सकते हैं और उसकी मनहूसियत का भी पता नहीं लगा सकते हैं। दोनों को बिल्कुल समदर्शी स्थिति मास्क ने इस वक्त पैदा कर दी है। तो ये न्यू नॉर्मल एरा है। और देखिए कितने सारे परिवर्तन आए। आत्मनिर्भरता का मंत्र दिया हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हम सब थोड़ा थोड़ा आत्मनिर्भर हुए। हम कवि लोग तो सबसे ज़्यादा आत्मनिर्भर हो गए थे, हम लोग खुद ही को कविता सुनाते थे, खुद ही ताली बजाते थे, दाहिनी पैकेट से लिफाफा निकाल करके बाईं पैकेट में डाल देते थे। अब इससे ज्यादा अब क्या आत्मनिर्भर होंगे हम लोग। और देखिए कि ये मास्क से क्या हुआ कि लिपस्टिक बिकना ही बंद हो गई।
है नहीं, हमने मैंने महसूस किया, हमारी पत्नी ने भी महसूस किया है कि मार्केट से लिपस्टिक गायब होती जा रही है और कई सारे सौंदर्य प्रसाधन धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं। तो हम जितने पति लोग हैं बड़े सुकून में हैं कि चलो खर्चा थोड़ा कम हुआ। तो ये सब न्यू नॉर्मल एरा है। चार पंक्तियां पढ़ता हूं कि गालिब होते तो क्या कहते, हजारों मास्क की ख्वाहिश की हर ख्वाहिश पे दम निकले, हजारों मास्क की ख्वाहिश की हर ख्वाहिश पे दम निकले, करूं जो क्लीन हाथों को तो साबुन हद से कम निकले। सुना जब से कोरोना तेरे मोहल्ले में है आया, बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। अच्छा बड़ी दिक्कत हो गई है प्रेमियों के लिए, बहुत दिक्कत है। अब कोई दो प्रेमी बड़ा प्यार कर रहे हों, अचानक पता चले कि इसको प्रेमिका को कोरोना हो गया उसके मोहल्ले में, अब बड़ी दिक्कत है, वो जा नहीं सकता, वहाँ पर वो क्वारंटीन है। मजाज होते तो आज के ज़माने में क्या लिखते कि तुझे आती है खांसी, ये बता देती तो अच्छा था, तुझे आती है खांसी। अरे कोई नहीं बताना चाहिए इस वक्त, अब प्रेमी प्रेमिका मिल रहे हैं तो सब कुछ बिल्कुल रिपोर्ट कार्ड देख लेना चाहिए। तुझे आती है खांसी, ये बता देती तो अच्छा था, मेरा तू आइसोलेशन करा देती तो अच्छा था, और तेरे चेहरे पे ये आंचल बहुत ही खूब है लेकिन इसे कटवा के जो तू मास्क बनवाती तो अच्छा था। तो ये वो दौर आ गया है। राहत इंदौरी साहब वो क्या लिखते, उनको प्रणाम करता हूँ, इंदौर की धरती से अमन अक्षर मौजूद हैं कि जो आज साहिबे नजला हैं कल नहीं होंगे। देखिए प्रयोग अच्छा लगा हो तो थोड़ा सा जुड़िए, जोड़ने के लिए मैं पढ़ रहा हूँ कि जो आज साहिबे नजला हैं कल नहीं होंगे। जहर है ये कोई संजीवनी रस थोड़ी है, और सभी का खून है शामिल यहाँ कोरोना में, किसी के बाप का ये वायरस थोड़ी है। इसको लेके हिंदू मुस्लिम डिबेट करी गई, बड़ा तकलीफ हुई मुझे। मार उस समय सारे चैनल वाले पिले पड़े हुए थे, आज पता चल रहा है कि इसमें किसी को भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। आइए मैं आपको ऐसी पंक्तियाँ सुनाता रहूँगा। मैं चाहता हूँ मैं कवि सम्मेलन की विधिवत शुरुआत करूँ, माँ वाणी की वंदना मैं ही चार पंक्ति में पढ़ देता हूँ और आप कवि सम्मेलन से जुड़िए कि माँ तू वीणा पाड़िनी है तुझसे अरज मेरी, माँ तू वीणा पाड़िनी है तुझसे अरज मेरी, बादल कवित्त के माँ चहुं ओर घेर दे, मन बजे तार तार अनहद झनकार, उंगली सितार पे माँ एक बार फेर दे, उंगली सितार पे माँ एक बार फेर दे, हिंदी उर्दू के भेदभाव को मिटा के अंब, कविता की कोख से माँ गजल के शेर दे, और सुर छंद लय ताल रश्मिया करें कमाल, मंच पर आज ऐसी रोशनी बिखेर दे, मंच पर आज ऐसी रोशनी बिखेर दे। और रोशनी बिखेरने के लिए मैं जिस पहले कवि को आमंत्रित करता हूँ वो ओज के कवि हैं, जिनके बारे में हम सब ने बताया कि बहुत कम उम्र में उन्होंने लाल किले से दो बार कविता पढ़ी, क्यों उनको बुलाया गया ये वो खुद साबित करेंगे। मैं उनके लिए जो उनका पूरा व्यक्तित्व है उसके लिए चार पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ। ये लिखते क्या हैं कि पतझड़ लिखता है मधुमास लिखता है, प्रेम लिखता है कभी पीर लिखता है वो, पतझड़ लिखता है मधुमास लिखता है, प्रेम लिखता है कभी पीर लिखता है वो, तुलसी नरोत्तम रहीम रस खान सदा, सूर मीरा जैसी कबीर लिखता है वो, और नीर लिखता है नदिया का तीर लिखता है, लिख सूरवीर शमशीर लिखता है वो, और जीवन के कागज पे काल की कलम लेके इस भारत की तकदीर लिखता है वो। आइए ऐसे तकदीर लिखने वाले कवि अभय सिंह निर्भीक का बहुत जोरदार तालियों से, बहुत जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई पंकज प्रसून जी। मैं दो मिनट एक थोड़ा सा समय ले सकता हूं अगर आप लोग दें, ये माइक की थोड़ी व्यवस्था सही कर दीजिए क्योंकि अभी आने वाले अन्य कवियों को भी थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इसका मॉनिटर थोड़ा हम लोगों की तरफ ये मोड़ दिया जाए, और ये साउंड अगर ना खुले हों ऑडियंस में, अगर सही आवाज़ ना जा रही हो तो उसको भी ऊपर खोल दिया जाए। ये हाँ ये मॉनिटर ये भी हमारी तरफ मोड़ दीजिए जी। हाँ आप ठीक है, इसको भी मोड़ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। उसको भी मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ, माँ शारदे को नमन करता हूँ मंच को चरण स्पर्श करते हुए।
आज बहुत बधाई देना चाहता हूं मैं बंसल न्यूज़ को, पूरी टीम को, पूरे समूह को, कि इस वैश्विक आपदा के समय में भी यदि लोग अपने घरों में दुबके हैं, डर में हैं, और उन्हें अगर आप प्रफुल्लित करने के लिए, उन्हें आप खुशी देने के लिए, उन्हें आप कुछ अच्छा प्रस्तुत करने के लिए एक ऐसा साहित्यिक अनुष्ठान कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आप लोग प्रणम्य हैं, आप लोगों का ये कार्य महान है। मैं एक बार चाहता हूँ कि एक बार वास्तव में जोरदार तालियां बंसल न्यूज़ के लिए, पूरी टीम के लिए। हम कवियों के पास भी लगभग 7-8 महीने से, हम लोगों ने अभी पिछले 10-5 दिन में अब 1-2 कार्यक्रम इस तरह से शुरू हुए, और बंसल न्यूज़ जैसे जहाँ पे सकारात्मक लोग हों, वरना आज के समय में मीडिया से मैं भी जुड़ा रहा हूँ, मीडिया में क्या हो रहा है आप लोग बखूबी, पूरे देश की जनता जानती है कि किस तरह से लोग मीडिया से अब दूर होना शुरू हुए हैं। ये दुखद विषय, दुखद एक चल रहा है इस समय माहौल हमारे देश में। लेकिन अगर बंसल न्यूज़ जैसे यहाँ पर प्रतिष्ठित लोग, इस तरह के बुद्धिजीवी लोग इस तरह अच्छे आयोजन करते रहेंगे और अपनी सरोकारिता को जिंदा रखेंगे, तो मीडिया से हम दूर नहीं होंगे, हम उसके इसी तरह करीब होंगे, वो चाहे कितनी भी बड़ी आपदा हो, कितनी भी बड़ी मुसीबत हो। मैं अपने क्रम में हूँ, मैं थोड़ी देर इस माइक पर रहूँगा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आपको यदि मेरी कोई बात ठीक ठाक लगे तो आप अपनी तालियों से अपना प्यार, अपना आशीर्वाद मुझ तक पहुँचाइएगा। हमें अपने वरेण्य कवि आदरणीय श्री मदन मोहन समर जी तक पहुंचना है। मैं एक सैनिक का बेटा हूं और एक सैनिक के मन की 4 पंक्तियों से मैं अपनी बात शुरू करता हूं। आपका प्यार, आपका आशीर्वाद मैं आमंत्रित करता हूं। मैं शुरू होता हूं बिना किसी लंबी भूमिका के कि कौन होते हैं ये सैनिक। सीना ताने स्वाभिमान से सीमाओं पर हम रहते हैं। सीना ताने स्वाभिमान से सीमाओं पर हम रहते हैं। हंसते हंसते वक्षस्थल पर सीधी गोली हम सहते हैं। हर पल हर क्षण हम तो केवल अपना फर्ज निभाते हैं। जब भी शीश वतन ने मांगा, शीश तान कर आते हैं। जब भी शीश वतन ने मांगा, और मुखरित कीजिएगा इन तालियों को, जब भी शीश वतन ने मांगा, शीश दान कर आते हैं। अपने घर की सारी सुख सुविधा जो त्यागा करते हैं, रात रात भर सीमाओं पर अपलक जागा करते हैं। इनके कारण ही उन्नत की सुदृढ़ होती डाली है। इनके लोहू की बूंदों से उपवन में हरियाली है। इनकी निष्ठा का दुनिया में तोल नहीं हो सकता है। इनकी कुर्बानी का कोई मोल नहीं हो सकता है। मैं इनके सम्मान में कविता लिखता और सुनाता हूँ। सैनिक के चरणों में सादर अपना शीश झुकाता हूँ। सैनिक के चरणों में सादर अपना शीश झुकाता हूँ। लोहू से लखपत घाटी में रोज तिरंगा जलता है। JNU में देश तोड़ने वालों का दल पलता है। केसर की क्यारी क्यारी में आपकी तालियां, और मुखरित कीजिएगा कि केसर की क्यारी क्यारी में आतंकी अंगारे हैं। दिल्ली की छाती पर भारत मुर्दाबाद के नारे हैं। कान खोल कर दुनिया वालों, इस कवि का ऐलान सुनो। टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों, तुम भी देकर ध्यान सुनाओ। भारत माता का हरगिज सम्मान नहीं खोने देंगे। अपने पूज्य तिरंगे का अपमान नहीं होने दे, अपने पूज्य तिरंगे का अपमान नहीं होने देंगे। अपने पूज्य तिरंगे का अपमान नहीं होने देंगे। अपने पूज्य तिरंगे का अपमान नहीं होने देंगे कि दिल के गहरे सागर में यदि देश प्रेम का ज्वार नहीं। और थोड़ा एक विशेष बंद आपके बीच रखता हूं, आपका विशेष ध्यान आमंत्रित करता हूं कि घूमे खुसरो की मुकरी तक, घूमे खुसरो की मुकरी तक, छाप तिलक से चित चोरी तक, दोहे साकी के गागर तक, कबीरा की झीनी चादर तक। घूमे खुसरो की मुकरी तक, छाप तिलक से चित चोरी तक, दोहे साकी के गागर तक, कबीरा की झीनी चादर तक, पद्मावत से अखरावत तक, चले जाए सी चित्रावत तक, सूरदास की सगुण भक्त तक, चले कृष्ण की प्रेम शक्ति तक, गिरिधर में मिलते रत्नों तक, मीराबाई के भजनों तक। गिरिधर बहुत धन्यवाद। गिरिधर में मिलते रत्नों तक, मीराबाई के भजनों तक, मानस की हर चौपाई तक, मानस की हर चौपाई तक, तुलसी जी की कविताई तक, रहीमन की हिंदी सेवा तक, छंद सवैये से दोहा तक, प्रेम वाटिका से सुजान तक, सभी रसों की दिव्य खान तक, घूमे दोहों की नैया तक, चले बिहारी सतसैया तक, घूमे दोहों की नैया तक, चले बिहारी सतसैया तक, जय शंकर आकाशदीप तक, जय शंकर आकाशदीप तक, आंसू झरना प्रेम सीप तक, चले
निराला की बेला तक, परिमल प्रीतम नौ बेला तक, भद्र दूत से जिज्ञासा तक, सचिदानंद की परिभाषा तक, चले सुमित्रा नंदन जी तक, उनकी कविता ग्राम श्री तक, चले सुमित्रा नंदन जी तक, उनकी कविता ग्राम श्री तक, रश्मि रथी से प्राण भंग तक, रश्मि रथी से प्राण भंग तक, दिनकर जी की काव्य जंग तक, चले सुभद्रा की वाणी तक, घूमे झांसी की रानी तक, श्याम नारायण से चेतक तक, हल्दी घाटी गौरी वध तक, विंध्य हिमालय के सर्जन तक, शिव मंगल सिंह के गर्जन तक, प्रणय पत्रिका मधुबाला तक, बच्चन जी की मधुशाला तक, भारत जी से युग युगाधि तक, चले राम की जल समाधि तक, नीरज जी के प्रेम गीत तक, बंध बंध में बधी प्रीत तक, मिलजुल कर मस्ती में झूमे, आओ हम सब भारत भूमे। अच्छा, इसकी पावन अच्छा, बहुत धन्यवाद, प्रणाम करता हूँ। इसको थोड़ा साफ करिए, गला खींच रहा है कि नीरज जी के प्रेम गीत तक, बंध बंध में बधी प्रीत तक, मिलजुल कर मस्ती में झूमे, आओ हम सब भारत घूमे, इसकी पावन रज को चूमे, कि घूमे केसर की घाटी तक। इस बंद पे मैं आपसे एक निवेदन करता हूं, आप अपने मन में अपने देश का वो पावन मानचित्र रखिए और पूरे देश की यात्रा ऊपर से लेकर नीचे तक आप मेरे साथ कीजिए, कि घूमे केसर की घाटी तक, चले हिमाचल की वादी तक, अमृतसर की स्वर्ण कुटी तक, पंजाबी गिड्ढा लोहड़ी तक, उत्तरांचल के देवालय तक, मेघों के गढ़ मेघालय तक, वृंदावन से चले अवध तक, गुप्त वंश के राज मगध तक, फगुआ कजरी से मल्हार तक, घूमे यूपी से बिहार तक, फगुआ कजरी से मल्हार तक, घूमे यूपी से बिहार तक, चले असम की बागानों तक, झारखंड की खादानों तक, आओ घूमे सुंदरवन तक, चले बांग्ला शांति मिशन तक, अरुणाचल के घन जंगल तक, त्रिपुरा के उज्जयंत महल तक, चले खनिज के भंडारों तक, छत्तीसगढ़ के बंजारों तक, खजुराहों की वास्तुकला तक, भीम भेट का चित्रकला तक, राजस्थानी परिपाटी तक, युद्ध भूमि हल्दी घाटी तक, चले मराठी तेग चाल तक, वीर शिवा के दिव्य भाल तक, घूमे कृष्णा की कलकल तक, कर्नाटक मैसूर महल तक, चले उड़ीसा से केरल तक, सियाचीन से सागर तल तक, सावरकर की कुर्बानी तक, अंडमान काला पानी तक, तमिलनाडु के पुण्य धाम तक, रामेश्वर अब्दुल कलाम तक, तनमन महके जिस खुशबू में, आओ उस भारत में, बहुत बढ़िया, इसकी पावन रज को चूमे, आओ अपना भारत घूमे, इसकी पावन रच को चूमे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम करता हूँ आपको, और एक अंतिम रचना पढ़ने के लिए आपसे आदेश चाहता हूँ, मैं निवेदन करता हूँ, आप अपनी तालियों से मुझे आदेशित करें। स्वागत है निर्भीक, बहुत अच्छी, बहुत धन्यवाद। मित्रों, मुझे एक विशेष कविता के लिए मंच से आदेशित किया जा रहा है। मैं भगवान राम की धरती अयोध्या से संबंध रखता हूँ। मैंने जो एक दृष्टि मेरी जो जहाँ तक गई भगवान राम के विषय में, मैंने कुछ लिखने की एक कोशिश की है। राम रावण युद्ध पर मैंने एक कविता लिखी है और शायद आज दूसरी बार किसी मंच पर पढ़ रहा हूँ। मैं वो कविता आपके बीच रखना चाहता हूँ, आपका प्यार मिलेगा। आज पहली बार मध्य प्रदेश में इस मालवा की भूमि पर मैं पहली बार ये कविता यहाँ पर भूमि पूजन करने आया हूँ। आपका आशीर्वाद मिलेगा, निश्चित तौर पर देश के अन्य मंचों पर भी ये कविता स्वीकार होगी, मुझे ऐसी आशा है, ऐसी मेरी उम्मीद है। कि कौन है भगवान राम, कि राम हमारी ऊर्जा है नवजीवन की। मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है आदरणीय बंसल साहब, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं खुश हूँ। आमतौर पर कवि सम्मेलनों में जाइए, वहाँ उपद्रव तमाम, होटिंग तमाम, तालियाँ गड़गड़ाहट, वो एक अलग बात होती है। लेकिन जहाँ अच्छी कविता पे सुनने वाले अच्छे लोग बैठे होते हैं, वहाँ सुनाने का मजा एक अलग ही होता है, वहाँ सुनाने का, कविता सुनाने का एक अलग ही आनंद होता है। सैल्यूट करता हूँ आपको, प्रणाम करता हूँ। कौन है भगवान राम, कि राम हमारी ऊर्जा है नवजीवन की परिभाषा है। राम हमारी ऊर्जा है नवजीवन की परिभाषा है। राम हमारे अंधकार में भी प्रकाश की आशा है। राम हमारे आदर्शों के सर्वोत्तम आधार हैं। राम हमारे जलथल नभ हैं, राम सकल संसार हैं। कि बुद्धि भाग ब्रह्मा हैं जिनके, क्या हैं राम, बुद्धि भाग ब्रह्मा हैं जिनके, वेद कंठ की वाणी है जिनकी, केवल एक झलक से तर जाते हर प्राणी हैं। सूर्य चंद्रमा नेत्र हैं जिनके, ब्रह्म लोक निज मस्तक है, चरण भाग पाताल लोक में जाकर देता दस्तक है।
जिसकी प्रकृति की गति से ही काल नियति गति पाता है, जिसके केवल एक रूप में यह ब्रह्मांड समाता है, जिसके केवल एक रूप में यह ब्रह्मांड समाता है। सागर पार किए बिन प्रभु वैदेही को पा सकते थे, जिस राम की इतनी बड़ी विशेषताएं, आखिर उन राम को स्वयं लंका क्यों जाना पड़ा माता सीता को लाने के लिए। तर्क संगत बात कर रहा हूं, एक बार फिर आपका साथ चाहता हूं कि सागर पार किए बिन प्रभु वैदेही को पा सकते थे, राम भक्त हनुमत ही सीए को लंका से ला सकते थे, लेकिन प्रभु ने कदम कदम पर सही गलत का ध्यान रखा, अनगिन कष्ट उठाए फिर भी मर्यादा का मान रखा, सिर्फ धर्म स्थापित करने का मन में विश्वास रहा, प्रभु ने सीए का सीने प्रभु का वन में भी वनवास सहा, प्रभु ने सीए का सीने प्रभु का वन में भी वनवास सहा, जगत जनन सीता माता का पापी ने था हरण किया, सर्व ज्ञान का सागर होकर अहंकार का वरण किया, कोना कोना दिग्दिगंत का लंकेश्वर से डरा हुआ था, नक्शे शिक्षक रावण भुजबल के घमंड से भरा हुआ था, करता था उपहास निरंतर साधु संत के मर्मों का, छलक रहा था घड़ा पाप का लंकेश्वर के कर्मों का, लंकेश्वर को कर्मों का फल देने नीति निधान गए, वैदेही को वापस लाने खुद त्रिभुवन की शान गए, वैदेही को वैदेही को वापस लाने खुद त्रिभुवन की शान गए, नल अंगद सुग्रीव जटायु नील और बजरंग बली, रघुनंदन की वानर सेना सागर के उस पार चले। मैं एक और बात बताऊं, मैं भगवान राम का वंशज हूं, मेरी मैं उनकी पीढ़ी का एक वंशज हूँ, इसलिए मैं अपनी पंक्तियाँ आपके बीच पूरे जिम्मेदारी के साथ रखता हूँ कि नल अंगद सुग्रीव जटायु नील और बजरंग बली, रघुनंदन की वानर सेना सागर के उस पार चली, जलधि पार कर युद्ध शिविर में राम के सैनिक ठहरे थे, लंका के हर प्रमुख द्वार पर राक्षस दल के पहरे थे, प्रभु ने अपने दिल ही दिल में शत्रु प्रजा से हमारी सहिष्णुता देखी है, जो हिंदुस्तान को असहिष्णु बताते हैं उनसे मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ कि प्रभु ने अपने दिल ही दिल में शत्रु प्रजा से प्यार किया, रण से पहले रघुभूषण ने मन में पुण्य विचार किया, यदि राजा हो जाए निरंकुश, यदि राजा हो जाए निरंकुश उसको रहता होश नहीं, रावण बहुत गलत है लेकिन यहां प्रजा का दोष नहीं, राज धर्म के अमृत घट में, राज धर्म के अमृत घट में यह विष नहीं भरेंगे हम, लंका की निर्दोष प्रजा की हत्या नहीं करेंगे हम, लंका की लंका की निर्दोष प्रजा की हत्या नहीं करेंगे हम। प्रभु ने बाली पुत्र के हाथों क्षमादान संदेश दिया, जिस व्यक्ति को जिस परमेश्वर को यह पता हो कि विजय हमारी ही होनी है, युद्ध भूमि में दुश्मन के दरवाजे पे खड़े होकर अगर किसी ने शांति का पैगाम दिया तो हमारे देश की वही संस्कृति है, भगवान राम का वही आचरण है कि प्रभु ने बाल पुत्र के हाथों क्षमादान संदेश दिया, शांति दूत बनकर अंगद ने लंका मध्य प्रवेश किया, कपि कुमार ने लंकेश्वर को रघुवर का प्रस्ताव दिया, भरी सभा में लंका के हित में कुछ शुद्ध सुझाव दिया, रक्त बहे निर्दोषों का प्रभु का मन होता भारी है, रक्त बहे निर्दोषों का प्रभु का मन होता भारी है, रघुनंदन को अपनों के संग शत्रु प्रजा भी प्यारी है, रघुभूषण के बाणों को किंचित ना क्रोध करेंगे हम, क्षमा सहित सीए लौटा दो बिल्कुल ना युद्ध करेंगे हम, क्षमा सहित सीए लौटा दो बिल्कुल ना युद्ध करेंगे हम, नाश निकट जब छाता है तब प्रेम भाव मर जाता है, माननीय बंसल जी कि नाश निकट जब छाता है तब प्रेम भाव मर जाता है, मन मस्तिष्क में तीक्ष्ण विनाशी कण प्रवेश कर जाता है, अहंकार से टकरा कर इसलिए जाग अभिमान गया, रामचंद्र की करुणा को रावण कायरता मान गया, रामचंद्र की करुणा को रावण का यर्ता मान गया। लंकेश्वर ने अट्टहास कर अगला कार्य विशेष किया, लंकेश्वर ने अट्टहास कर अगला कार्य विशेष किया, अंगद को बंदी करने का फौरन ही आदेश दिया, अंगद अपना पांव जमाकर दृढ़ संकल्पित अड़ा रहा, वज्र चुनौती देकर राक्षस दल के सम्मुख खड़ा रहा, धीरे धीरे अपने क्रम से लंका के हर योद्धा आए, लाख कोशिशें की लेकिन वो पग अंगद का डिगा न पाए, सिंहासन पर बैठ दशानन अपने पासे फेंक रहा था, फिर भी पौरुष लंका का अपमानित होते देख रहा था, फिर भी पौरुष लंका का अपमानित होते देख रहा था, वनवासी के चरणों में निज शीश नहीं झुकने दूंगा, वनवासी के चरणों में निज शीश नहीं झुकने दूंगा, रावण बोला मैं कदापि यह युद्ध नहीं रुकने दूंगा, मेरे तप की ताकत से जलथल अंबर थर्राते हैं,
देवदूत क्या स्वयं देव भी रावण से घबराते हैं। मूर्ख अधर्मी ने विनाश का खंजर खुद को घोंप दिया, अहंकार के मद में निर्दोषों को रण में झोंक दिया, अहंकार के मद में निर्दोषों को रण में झोंक दिया। एक तरफ रावण का छल था, दूजी ओर सत्य की आशा। युद्ध भूमि का अंतिम दृश्य मैं आपको दिखाता हूं कि वहां का क्या स्थिति, वहां का क्या दृश्य है। कि एक तरफ रावण का छल था, दूजी ओर सत्य की आशा। एक तरफ असुरों का बल था, दूजी ओर तपस्वी भाषा। एक तरफ भगवा ध्वज था में सेना थी रघुराई की, और दूसरी ओर खड़ी थी केवल भीड़ बुराई की। और दूसरी ओर, अच्छी पंक्तियां एक बार साथ दीजिएगा, कि और दूसरी ओर खड़ी थी केवल भीड़ बुराई की। बजा बिगुल फिर शंख ध्वन से क्रोध की ज्वाला फूट पड़ी, विद्युत गत से वानर सेना दैत्य दलों पर टूट पड़ी, विद्युत गत से वानर सेना दैत्य दलों पर टूट पड़ी। हर 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 महादेव की नभ तक गुंजित नारे थे, बैरी दल की आंखों के आगे दिन में ही तारे थे। गूंज उठी थी दसों दिशाएं शस्त्रों की टंकारों से, कोई असुर तीर से मरता कोई खड़क के वारों से। ध्वन गत से तलवारें आकर आपस में टकराती थी, शौणित की धाराएं जाकर सागर में मिल जाती थी। शौणित की धाराएं जाकर सागर में मिल जाती थी, शौणित सागर में मिल जाती थी। मृत्यु वरण कर चुके युद्ध में प्रमुख वीर जब सारे, जब लंका की सेना के सारे प्रमुख वीर मारे जाते हैं, मैं कविता को छोटा करता हूं और अंतिम बनते आपके बीच रखता हूं। उस समय का क्या दृश्य होता है कि मृत्यु वरण कर चुके युद्ध में प्रमुख वीर जब सारे, रावण आया सोने का रथ लेकर सिंधु किनारे। कि मृत्यु वरण कर चुके युद्ध में प्रमुख वीर जब सारे, रावण आया सोने का रथ लेकर सिंधु किनारे। भड़क रही थी अग्नि हृदय में रावण के प्रतिशोध की, टूट चुकी थी सब सीमाएं लंकेश्वर के क्रोध की। निज करतल पर पर्वत लेकर लंकेश्वर चल सकता है, दस कंधर की क्रोध ज्वाल से जल थल नभ जल सकता है। सम्मुख आओ राम तुम्हें मैं अपना शौर्य दिखाऊंगा, वानर सेना के लोहू से अपनी प्यास बुझाऊंगा, वानर सेना के लोहू से अपनी प्यास बुझाऊंगा। रावण का प्रस्ताव राम ने हंस करके स्वीकार किया, रावण का प्रस्ताव राम ने हंस करके स्वीकार किया। शांत भाव में ओज भरा फिर शब्दों का प्रतिकार किया, जीत सत्य की हो असत्य पर सत्य पुनः शब्दों पर ध्यान चाहता हूं कि जीत सत्य की हो असत्य पर सत्य पुनः सत्यापित होगा, तीनों लोकों के कण कण में पूर्ण धर्म स्थापित होगा। राक्षस कुल की परछाई भी समर भूमि में खोएगी, पूरी लंका सांध दीप प्रज्वलन हेतु भी रोएगी, पूरी लंका सांध दीप प्रज्वलन हेतु भी रोएगी। कि धर्म कभी निज प्रभुता के हित रण की बात नहीं करता। अक्सर लोग कहते हैं वीर रस के कवियों के बारे में कोई युद्ध की बात करते हैं, माफ कीजिएगा मैं युद्ध युद्ध की बात नहीं करता, मैं आक्रोश की बात जरूर करता हूं। लेकिन अगर मैंने तर्कसंगत तरीके से यह सिद्ध किया हो कि युद्ध कहां जरूरी है, तो मैं अब तक की सर्वाधिक तालियां अगली चार पंक्तियों पर चाहता हूं। स्वागत। कि धर्म कभी निज प्रभुता के हित, धर्म कभी निज प्रभुता के हित रण की बात नहीं करता। शोणित की बूतों से किंचित पावन पात्र नहीं भरता, दंभ द्वेष छल से जब डरने लगती दुनिया पूरी है, तब अधर्म के शमन हेतु हो जाता युद्ध जरूरी है, तब अधर्म के शमन हेतु हो जाता युद्ध जरूरी है, तब अधर्म के शमन हेतु हो जाता युद्ध जरूरी है, तब अधर्म के शमन हेतु हो जाता युद्ध जरूरी है। अहंकार के सब अस्त्रों पर ध्वजा धर्म की भारी थी। युद्ध भूमि का अंतिम दृश्य आपके सम्मुख रखता हूं, आप अपनी आकाश भर तालियों से एक सुखद यादों के साथ मुझे विदा कीजिएगा। मैं निवेदन करता हूं कि अहंकार के सब अस्त्रों पर ध्वजा धर्म की भारी थी, अंत अधर्मी का तय था बस दुर्गत की तैयारी थी। सभी देवता समर भूमि पर दृष्टि लगाए बैठे थे, लिखने को इतिहास देवगण सभा सजाए बैठे थे। दशकंधर के जीवन पथ की खंडित हर आशाएं थी, नाश निकट है अब लंका का उत्सुक दसों दिशाएं थी, नाश निकट है अब लंका का उत्सुक दसों दिशाएं थी, नाश निकट है अब लंका का उत्सुक दसों दिशाएं थी। युद्ध भूमि में 34 अनगिन तीरों की बरसात हुई, युद्ध भूमि में 34 अनगिन तीरों की बरसात हुई। शब्द स्वयं मूर्छित हो बैठे, सर से सर की बात हुई। मायावी रावण के सम्मुख दिव्य अस्त्र भी तीन हुए, पल भर को भगवान राम भी
मानो संज्ञाहीन हुए, मायूसी के बादल रघुवर की सेना पर घुमड़ गए, किंतु कालबन रघुवर के सर लंकापति पर उमड़ गए। अगले ही क्षण प्रभु मुखमंडल लावे जैसा दहक उठा, धर्म विजय की आशा पाकर पूरा त्रिभुवन महक उठा। ब्रह्म बाण से लंकेश्वर के पापों का घट फूट गया, प्रभु के हाथों अहंकार का पर्वत तिल तिल टूट गया। गर्जन करते गिरा भूमि पर उसका दंभ विदीर्ण हुआ, दिग दिगंत में लंकापति का सारा वैभव क्षीण हुआ। लंकेश्वर ने प्राण त्यागते हुए राम का नाम लिया, देवों ने भी स्वर्ग लोक से प्रभु को विनत प्रणाम किया। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। ये थे अभय सिंह निर्भीक जी। मैंने आपको बताया था कि ओज की कविता ऐसे भी हो सकती है, सच्ची ओज की कविता, अच्छी ओज की कविता, वो ओज की कविता जो आपके मन में उत्साह भरे, आपको सांप्रदायिक ना बनाए। ऐसी कविता के लिए जोरदार तालियां बजाइए अभय सिंह निर्भीक जी के सम्मान में। निर्भीक जी ने तुलसीदास की जो रामचरितमानस है उसका एक तरह से पूरा सार तत्व आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। अच्छा, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि वो वानरों की सेना लेकर के वहाँ पर युद्ध करने गए लंका। कभी आपने सोचा है कि वानरों की सेना ही राम क्यों लेके गए? वो चाहते तो मानवों की भी सेना ले जा सकते थे, निषाद राज भी उनके साथ थे। मैंने बड़ा चिंतन किया, उसके बाद में मैंने ये पाया कि वो वानरों की सेना भगवान राम इसलिए ले गए थे आदरणीय शरद जी क्योंकि लंका सोने की थी। बहुत बढ़िया। अगर मानवों की सेना ले गए होते तो वहां से सारा सोना उखाड़ लाते। इसी वजह से राम बहुत कुशल मैनेजर भी थे, इसीलिए उन्होंने, अब वो गए थे हनुमान जी, उन्होंने सोने की लंका जला दी। सोचे कोई और जाता तो वहां से क्या करता, जलाता उसको? सवाल ही नहीं उठता था। वहां से उखाड़ लाता दो चार उसके स्तंभ और लेके दिखाता भगवान राम को, देखो मैं इतना सोना उखाड़ लाया हूँ। तो इस वजह से भगवान राम ने यह फैसला किया था। अभय सिंह निर्भीक जब पढ़ रहे थे तो हमारे अंदर देशभक्ति जाग रही थी। आपके अंदर भी जाग रही थी क्या? जाग रही होगी। एक बार क्या हुआ कि कश्मीर में सरहद पे कवि सम्मेलन था, वहाँ पे निर्भीक ने ऐसे कविता पढ़ी और हमारी देशभक्ति जाग गई, फिर वो थम नहीं रही थी, बहुत कायदे से जाग गई, बड़े अच्छे से, मतलब पानी वानी पिया हमने, दो चार गिलास शरबत पिया, कोल्ड ड्रिंक पी, लेकिन देशभक्ति जा ही नहीं रही थी, जाग गई। तो हमने वहाँ के जो मेजर जनरल था, हमने कहा देशभक्ति हमारी जाग गई है, बोले कि ऐसा करो सरहद पे चलो। मैं सरहद पे पहुँच गया, सरहद पे जाके उसने कहा बंदूक उठाओ। हमें लगा अब कुछ गड़बड़ होने वाला है, हमने बंदूक उठाई, हम डर गए, हमने कहा हमें पता नहीं है कि नली किधर होती है इसकी। उसने कहा बंदूक उठाओ, ट्रिगर दबा दो, नली तुम्हारे तरफ हो या दुश्मन की तरफ हो, भला देश का ही होगा। अब ये भी होता है। अब देखिए, इन्होंने कहा मैं युद्ध की बात नहीं करता हूँ, कुछ वीर रस सिर्फ युद्ध की ही बात करते हैं, कहीं कुछ हो गया नहीं तो तुरंत युद्ध की बात शुरू। जैसे कभी जब ये नेपाल ने हमारी सीमा पर अतिक्रमण किया, देखिए वहाँ भी ओज के कवि ने कविता लिख दी। उसने लिखा कि बहुत हो चुका अब नेपाली वार नहीं सह पाएंगे, बहुत हो चुका अब नेपाली वार नहीं सह पाएंगे, सुन ले ओली अब हम सब तुझ पे गोली बरसाएंगे। मतलब ओली का गोली से तरन तुक भिड़ गया। ऐसे ही जब यह समस्या हुई चाइना वाली, तो दूसरे ने लिख दी कि बहुत हो चुका अब हम सब जिनपिंग को सबक सिखाएंगे, और उसकी कल्पना देखिए, बहुत हो चुका अब हम सब जिनपिंग को सबक सिखाएंगे और विजयी विश्व तिरंगा अपना बीजिक में लहराएंगे। मतलब इस्लामाबाद में भी जगह कम पड़ गई, कराची में भी कम पड़ गई, यहां तो जैसे कम थी ही, अब बीजिंग की भी जरूरत पड़ गई। तो कहीं भी उड़ान भर सकते हैं ओज के कवि, लेकिन निर्भीक जी ने एक आदर्श ओज की कविता
आपके समक्ष प्रस्तुत की, इसलिए हम उनको सबको साधुवाद देते हैं, निर्भीक को साधुवाद देते हैं। अगले कवि की ओर हम बढ़ते हैं। आदरणीय हमारे बैठे हुए हैं पीछे भाई नीलोत्पल मिडाल जी, इनकी खासियत है कि ये हमेशा गमछा पहनते हैं। और अभी एक बार क्या हुआ, दिल्ली में एक रेस्टोरेंट में गए नीलोत्पल मिडाल, तो गमछे की वजह से इनको घुसने नहीं दिया गया, तो इन्होंने पूरा गमछा आंदोलन खड़ा कर दिया पूरा। वहाँ रेस्टोरेंट वालों ने बाद में माफ़ी मांगी, लिखित रूप से इनसे इनको फ़ोन किया कि मुझे माफ़ कर दीजिए, पूरा गमछा आंदोलन शुरू कर दिया था। तो मैंने उस वक्त दो पंक्तियाँ लिखी थी गमछे के महत्व को लेकर के, मैं वो पढ़ना चाहता हूँ। गमछा देखिए बहुत बहुउद्देशीय होता है, मल्टीपर्पज होता है गमछा, कि जब भी मेरी आंखों में गम छा जाता है। बहुत अच्छा, अच्छी तालियां बजा दीजिएगा और अच्छा माहौल बनाइएगा। कि जब भी मेरी आंखों में गम छा जाता है, उसे पोछने आंखों तक गमछा आता है, उसे पोछने आंखों तक गमछा आता है। नीलोत्पल मिडाल की हम अगर बात करें तो जो मुझे भारत में जो प्रतिरोध के कुछ स्वर सुनाई देते हैं, दो चार लोग जिन्हें चाटुकारिता बिल्कुल नहीं पसंद है, जो सही और सच्ची बात कहना जानते हैं, कहना ही नहीं जानते हैं बल्कि आंदोलन करना भी जानते हैं। एक और नीलोत्पल मिडाल के बारे में, कुछ दिन पहले अभी दुमका में गड्ढे बहुत ज़्यादा थे, तो नीलोत्पल मिडाल गड्ढों को भरवाने के लिए अनशन पर बैठ गए और लगातार कई दिन तक अनशन पर रहे। बाद में वहाँ का प्रशासन झुका और उसने कहा नीलोत्पल से कि आप चिंता ना करिए, हम सिर्फ 7 दिन में सारे गड्ढे भर देंगे। तो इनकी वहाँ पर विजय हुई। अच्छा, हमारे यहाँ भी बहुत गड्ढे हैं लखनऊ में भी, तो वहाँ पर हमने सोचा कि मैं क्या करूँ, मैं तो अनशन कर भी नहीं सकता था क्योंकि डॉक्टर ने मना कर रखा है, 12 दिन खाना, अगर 12 घंटे खाना नहीं खाओगे तो जान जा सकती है। तो हमने गड्ढों का सम्मान किया था, क्या करें, गड्ढों का सम्मान किया। छोटा गड्ढा था उसको गड्ढा श्री, छोटा बड़ा गड्ढा गड्ढा भूषण, गड्ढा विभूषण, गड्ढा रत्न, गड्ढा शिरोमणि। आपने कवियों का सम्मान किया था, हमने गड्ढों का सम्मान किया था। हमने गड्ढों पर बड़ी रिसर्च करी आदरणीय शरद जी। देखिए, दुनिया की सारी बड़ी सभ्यताएं गड्ढों से निकली है, चाहे मेसोपोटामिया हो, चाहे हड़प्पा हो, चाहे मोहनजोदाड़ो। अगर आपके घर के बगल में कोई गड्ढा है तो आप सकारात्मक हो जाइए, हो सकता है कोई सभ्यता ही अंदर निवास कर रही है, पता ही नहीं। बहुत अच्छा है। और देखिए, गड्ढे हमको क्या सिखाते हैं, जीवन में अचानक आने वाली बाधाओं का सामना करना सिखाते हैं। आप जा रहे हो, अचानक कोई गड्ढा आ जाए, तो जीवन में कोई अचानक बाधा आ जाएगी तो आप समझ जाएंगे, क्योंकि गड्ढे में आप कई बार वो सब कर चुके होते हैं। और गड्ढा क्या करता है, कहते हैं कि वाहन गड्ढे में गिर गया, मैं इसे गलत मानता हूँ। अखबार वाले खबर चलाते हैं, न्यूज़ चैनल वाले दिखाते हैं, गलत है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। कहना ये चाहिए कि वाहन गड्ढे के सम्मान में झुक गया। कभी कभी तो जो ई रिक्शा होते हैं वो तो नतमस्तक हो जाते हैं, तुम्हारे यहाँ भी, आपके यहाँ भी चलते होंगे, वो गड्ढे के सम्मान में साष्टांग दंडवत कर लेते हैं। तो थोड़ी दृष्टि बदलनी चाहिए। अब भाई, कोरोना को हम खत्म नहीं कर सकते हैं तो साथ में जीने की आदत डाल ली हमने, इसी तरह गड्ढे भी हैं, तो साथ में आदत डाल लेनी चाहिए। बड़ा हमने शोध किया, 4 लाइनें उस प्रस्तुत करता हूं, उनसे बुलाता हूं नीलोत्पल मिडाल को, कि गड्ढा हमारी आन है, गड्ढा हमारी शान है, गड्ढा हमारी आन है, गड्ढा हमारी शान है, गड्ढा हमारे देश के संस्कृति की पहचान है, और गड्ढा सदा है शाश्वत, सड़क क्षणभंगुर है।